एक पॉजिटिव मामला अजमेर में आने के बाद एक क्षेत्र जो क्लॉक टावर थाने का क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आपको यहां के नज़ारे दिखाना चाहेंगे। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो इस कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा को लेकर जो है चाक चौबंद हैं और सभी यही गुहार कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस जो खतरनाक हो रहा है उसके मद्देनज़र कोई भी बाहर ना निकलें और सभी को यहाँ पर जो है दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि वह इस लोगों की अपील और जो जनता की अपील के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है उसका ध्यान रखें। अजमेर के खारीकुई डिगी बाजार का इलाके का रहने वाला एक फैजल है जो अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए अजमेर पहुंचा था। 22 तारीख को यह अजमेर पहुंचा, उसके बाद उसे आइसोलेट किया गया था। इसी आइसोलेट के दौरान उसकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दोबारा जब उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी जयपुर तो वह पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद जो थाना इलाका है क्लॉक टावर उसको पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। थाना अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर देंगे। सर, किस तरह से जो है इसको सीज कर्फ्यू जो लगाया गया है उसमें किस तरह के दिशा निर्देश देंगे? ये जो पॉजिटिव पाया गया एक व्यक्ति तो खारीकुई इलाका है, वो क्लॉक टावर पुलिस थाना क्षेत्र के एडजॉइनिंग है और लगभग उस जिस क्षेत्र में पाया गया उससे 1 किलोमीटर एरिया पे कर्फ्यू लगाया गया है। तो उसमें लगभग क्लॉक टावर थाना क्षेत्र का पूरा एरिया, कुछ दरगाह पुलिस स्टेशन का एरिया और कुछ कोतवाली पुलिस स्टेशन का एरिया कवर होता है, तो उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी तरह की दुकानें वगैरह बंद करा दी गई हैं और यहाँ पर राशन सामग्री वगैरह जो सप्लाई होगी वो अब जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि देखें तो अब किसको आने दिया जाएगा और किसके लिए पाबंदी लगाएगी? सुरक्षा की दृष्टि से जो इस क्षेत्र की साफ सफाई करेंगे और उसके लिए नगर निगम वाले जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए हैं, प्लस जो सुरक्षा अधिकारी लगे हुए हैं उनके लिए हैं और जो मीडिया कवरेज है उनके लिए ही, उनके अलावा और किसी को इस क्षेत्र में अब आने नहीं दिया जाएगा। तो इनका कहना है जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको यहाँ पर जो है आने दिया जाएगा, बाकी किसी को भी घर से निकलने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ये जो मेन रोड है ये आप देख रहे हैं, ये स्टेशन रोड है, यहाँ का सबसे व्यस्ततम रोड है। इसी के पास जो है स्टेशन है जहाँ पर तिरंगा झंडा आप जो है फेरता हुआ देख पा रहे होंगे और ये जो पूरा एरिया है ये मुख्य बाजार से सटा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वो जो हैं अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू के बीच किसी को भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन पूरे जिले में यहाँ पर लगाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वह इस दौरान घर पर रहें और न बाहर निकलें। जी बिल्कुल, अपील लगातार की जा रही है अशोक, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब कर्फ्यू लगाने के बाद लोगों तक जो खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति थी उससे लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक लेकर क्या जो जन सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, लोग जो है खरीदारी करने से लेकर और जरूरी सामानों तक कैसे अपनी पहुंच बनाएंगे उसके लिए कोई गाइडलाइंस उन तक पहुंचाए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अल्टरनेटिव? जी बिल्कुल, जी मीडिया ने जो जिला कलेक्टर है विश्वमोहन शर्मा उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो अब महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनके लिए अब जो प्रशासन है वो डोर टू डोर जाएगा और उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा जिस एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है। उसके अलावा जो लॉकडाउन का एरिया है वहाँ पर लोगों को समय दिया जा रहा है, कुछ समय 2 घंटे का 1 घंटे का, इस दौरान वह सामान लेकर आ सकते हैं और वह अपने वापस घर पर जा सकते हैं। कई लोगों को पासेस भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन जो क्षेत्र कर्फ्यू का है वहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी ही यहाँ पर नजर आएंगे। जी अशोक, क्या लोगों के बीच इस कर्फ्यू के दौरान कोई अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जिला पुलिस की ओर से लगातार यहाँ पर जो है लोगों से अपील की जा रही है, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वह घर से बाहर ना निकलें। एक कोरोना पॉजिटिव जो है अजमेर में दस्तक दे चुका है, न इससे ऐसे हालात में कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो आगे जाकर और भी जो लोग हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश सभी को दिया जा रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने बताया कि जो उनके परिवार के लोग हैं उन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और उनके आसपास जो है वो स्क्रीनिंग करते हुए सभी को दिशा निर्देशित किया गया है कि वह घर से बाहर ना निकले और उनको जो तमाम चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। अशोक, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो पलायन कर रहे हैं, कुछ जो दूसरे प्रदेशों से
राजस्थान का रुख कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो राजस्थान से दूसरे प्रदेशों का